खरगोन के शासकीय महाविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 45 से अधिक कंपनियों के स्टॉल लगाए गए थे। बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर पंजीयन कराया और रोजगारोन्मुखी तथ्यों से रूबरू होकर मार्गदर्शन लिया। इस दौरान सांसद गजेंद्र पटेल ने बताया कि नए वर्ष में आयोजित पहले रोजगार मेले से तकरीबन 8000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सांसद ने रोजगार मेले के आयोजन के लिए आभार जताया। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। देश अब 2021 के युग में प्रवेश कर चुका है और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ये देश आत्मनिर्भर बने और यहाँ पर रोजगार के नए नए सृजन के कार्यक्रम भी बने और नए रोजगार के मौका भी बनी रहे, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने रोजगार मेलों का आयोजन किया है और आज इस मेरे लोकसभा के खरगोन शहर में ये रोजगार मेला आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए पहल शुरू की गई है और ये शुरुआती दौर में आज तक 10,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन हुआ है और कम से कम 45 कंपनियों को हमने आमंत्रित किया है। 45 कंपनी में से 35 कंपनियाँ आ गई हैं और जिस प्रकार से बच्चों का एजुकेशन है, जिस प्रकार का बच्चों का टेक्नोलॉजी का एजुकेशन है, इसके तहत उनको कौन सा जॉब दे सकता है, इसे कंपनी के नाम चिन्हित करके उनको भेजा जाएगा। निश्चित तौर पर 8000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार इस रोजगार मेले से मिलने वाला है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, देश और प्रदेश में मेरे क्षेत्र के जो बेरोजगार युवा हैं जिनको रोजगार की अच्छी पहल की शुरुआत हुई है, मैं जिला प्रशासन को भी और सरकार को भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा, इस बात का विश्वास लेकर बच्चे लोग आए हैं तो उनको निश्चित तौर पर रोजगार मिलेगा। इस बार मेले को लेकर भी बैठक हुई थी, इस बार लगेगा कि नहीं लगेगा, आप भी वहाँ पहुँचे थे। खरगोन का जो नवग्रह मेला है ये इस मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक मेला रहता है और उसके लिए कल बैठक आयोजित करने का निर्देश मैंने दिया था, बैठक हुई है और मेरी कलेक्टर से बात चल रही है। आप निश्चित मानिए कि जो भावनाएं जनता की है और भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार सब मापदंडों के अनुसार इस मेले का आयोजन प्रयोजन किस प्रकार से किया जाएगा तय करेंगे। अभी अतिथि व्यायाम शिक्षक जो है बेरोजगार है, अतिथि के रूप में लगे थे पिछले, लेकिन इस बार नियुक्ति नहीं मिली है व्यायाम शिक्षक, और आपसे व्यायाम शिक्षक मिले भी थे, व्यायाम शिक्षक खेल शिक्षक रखा था इनको, इस बार नहीं रखा है अभी तक इनका। आपके माध्यम से संज्ञान में है, मैं तो क्या हो पाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।